Hey guys, welcome back to Connect Whiskey. आज थोड़ा स्पेशल दिन है, नॉर्मल से बेटर। आज हम अपने नॉर्मल सेटिंग से बाहर, मैं अपने ब्रदर इन लॉ के घर में हूँ। Hi guys, I'm Sunny. नहीं, सनी नहीं, हैवी ड्यूटी नाम, हैवी ड्यूटी पर्सनालिटी। भाइयों, मेरा नाम है महेंद्र प्रताप सिंह सिद्धू। There you go. आपसे मिलके बड़ी खुशी हुई। इतना बड़ा नाम, इतना छोटा सा इंट्रोडक्शन, साइज भी तो बड़ा है यार। हाँ तो फिर वैसे ही होना चाहिए। हाँ। जैसी पर्सनालिटी वैसा नाम। हाँ। और वैसे ही पेशगी। सही बात। हाँ। तो आज हम ट्राई करेंगे ऑकिंटोश 12। तो इनकी कोर रेंज में भाई तीन विस्कीज आती हैं, 12, 18 और 21। अच्छा। उसके बाद थोड़ा स्पेशल डबल वुड, ट्रिपल वुड, डिसिलर एडिशन चलता रहता है। तो इट इज बेसिकली द बिगिनर विस्की। और अपने यहाँ पे ये मेरे ख्याल $97 के करीब की है। हाँ, नॉट बैड प्राइस। हाँ, फॉर अ सिंगल मॉल्ट गुड क्वालिटी विस्की। आई थिंक ये लोलैंड्स इन स्कॉटलैंड। हाँ, तो बढ़िया विस्की है। करो शुरुआत। मैं थोड़ा सा इसके ऊपर से पढ़ के कुछ बोलूं? हाँ बिल्कुल, प्लीज। ये देखिए, इस पे लिखा है क्राफ्टेड इन ग्लासगो। हाँ। डेलिकेट एंड लेयर्ड। कुछ और पीछे क्या है, यू आर होल्डिंग वन ऑफ द ओनली ट्रिपल डिस्टिल्ड सिंगल माल्ट स्कॉच विस्की वी हैव क्राफ्टेड। क्या नाम, कैसे इसको बोलते हैं, ऑकिंटोश? ये देखो, ऑकिंटोश, टोशन। वर्ल्ड टू फाइंड द फाइनेस्ट वुड विथ आर 12-year-old वी क्राफ्टेड अ मेलो सिंगल मार्ट मैच्योर्ड इन बर्बन शेरी कास्क। For added complexity, the result is layered and delicate single malt with notes of dry leaves and ginger. Fancy है। तो ये sherry cask क्या है? इसमें पहले wine बनी है इस cask में, उसके बाद फिर उसको burn करते हैं cask को, फिर नहीं नहीं वो burning हो चुकी है। अच्छा। Wine mature हो गई, wine bottles में डल के export हो गई, उसके बाद जो जो barrels हैं वो एक बार ही हो गया काम। हाँ। वो बैरल सिंगल यूज ही है बेसिकली। अच्छा, इसके बाद वो विस्की डिस्टिलरीज खरीद लेती हैं, दे लीव देम, लेट देम एयर ड्राई। उनके शोर्स पे पड़े हैं। हाँ। उनके यार्ड्स में पड़े हैं, ड्राई हो गए। उसके बाद जब उनकी विस्की बनी उसमें डाली। नहीं नहीं, आप बड़े हो। नहीं, खोलते तो जरूर है। नहीं नहीं, तुम बोलते रहो। हाँ, तो वो बेसिकली क्या कहते हैं, जो शेरी कास्क हो गया, फिर उसमें शेरी वाइन बन के मैच्योर होके बिक चुकी है। सो क्या होता है कि एक जो लकड़ी का, जो वुड का फ्लेवर है वो तो विस्की अडॉप्ट करती ही करती है। शेरी की वजह से थोड़ा इसमें डार्क एम्बर ब्रॉन्ज का कलर, थोड़ा डार्क रेडिश टिंच आ जाता है विस्की में बेसिकली। तो ये इसलिए होती है। इसको यहाँ रख देता हूँ। हाँ। जिससे कि आपको नाम ऑकिंटोश याद रहे, ऑकिंटोश। ऑकिंटोश। हाँ, बॉटल तो कहा जाए तो सिंपल ही है देखने में। हाँ, कोई ज्यादा फैंसी नहीं है। ये फैंसी तो नहीं है बोतल। हाँ। कि कहीं पे अगर ये आई बिलीव इसकी पैकिंग बॉक्स के साथ ज्यादा ब्यूटीफुल बेटर है। आई वुड से पैकिंग प्रोबेबली 6 or 7 out of 10, क्योंकि पीछे देखो आपकी कलेक्शन में बहुत फैंसी खास सम खास बॉटल्स हैं। कुछ है, ये देखो कमाल छोटा सा कलेक्शन है। ये चलो उसका बेबी वर्जन लेकर आते हैं। गोल्ड बार विस्की का नाम है, लिटरली गोल्ड बार की जैसी ही इसकी शेप, पैकिंग है। सो दे स्पेंट मनी ऑन पैकिंग, ट्रू, व्हिच एविडेंटली दे डिड ऑन दिस। नहीं, दे चीप्ड आउट ऑन दैट। वेल, इट इज नॉट अ चीप विस्की बाय एनी मींस, सेइंग $98। $100 में बच्चे की जान लोगे क्या? वो भी है। हाँ, सिंगल मॉल्ट $100, ₹6,000 के करीब हुई अपनी। चलो यार, इसको खोलते देखते कि जो ये कह रहे हैं कि ये ग्लासगो की सिटी के है। हाँ। तो जितनी फन सिटी ग्लासगो है। हाँ। उतनी फन इसकी है कि या नहीं? लेकिन मैं ग्लासगो रह के आया हूँ, और बहुत पहले रह के आया हूँ, 2008-09 की बात है। अच्छा। ग्लासगो बहुत ही हिप सिटी। अच्छा, कैलिफोर्निया और स्कॉटलैंड। हॉरिबल वेदर दो, जैसे अपने हुआ हुआ बाहर। अरे यार, बारिश ना, धुंधला हो, ये हाँ, वो हाँ। पर जो पब कल्चर है, नाइट लाइफ है। हाँ। जो वहां के लोग हैं वो हाँ। लोग ही बहुत अमेजिंग, वेरी वेरी वेल रिसीव्ड। और हम लोग के साउथ एशियन से उनकी एफिनिटी भी है। हाँ। है ना? और विस्की तो खैर लाजवाब ही है वहां पे।
और जैसा आप सोचेंगे कि बहुत सस्ती होगी विस्की स्कॉटलैंड में, वैसा है अच्छा हाँ, पर वैरायटी इतनी होगी कि मतलब वैरायटी बहुत है अच्छा। और पब्स में जो है ना, जैसे यहाँ पे तो बिल्कुल ही छिल लगा लेते ना बंदे, हाँ बिल्कुल है ना, टेकीला का शॉट 12 15 वहाँ पे वो कल्चर नहीं है, क्योंकि जो सेल्स है पब की वो वॉल्यूम पे डिपेंड कर रही है। अच्छा, वहाँ पे वॉल्यूम पुश करते हैं क्योंकि लोग रोज ही पीते हैं, शायद शायद से पंजाबी रोज पीते हैं डेफिनेटली। खुशबू तो है इसमें, ये बात को डिनाई नहीं कर सकते, बहुत बढ़िया है, बड़ा ओकी वुडी हम है, नोट्स हैं इसमें बड़े स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल। चलो लेट्स, आ गया मुंह में पानी, अब डालो यार इसमें, मैं डालते हैं, लेट्स नोज द विस्की फर्स्ट। बड़ा ही फैंसी ग्लास रखा हुआ है आपने यार। भाई ऐसा है ना जी कि शौकीन लोगों की संगत में रहो तो ग्लास भी बढ़िया मिल ही जाते हैं, ये ग्लास इन्हीं से आते हैं मुझे सारे, मेरे जितने बढ़िया ग्लास है ना शराब के, आपका नाम भी लिखा हुआ है, सनी लिखा है वो, मैंने उसको पूछा, मैं कहा नहीं, उसको बोला मैंने महेंद्र प्रताप सिंह सिद्धू, कहता नहीं भाई ग्लास इतना बड़ा नहीं है, नहीं नहीं आएगा पूरा नाम, छोटा नाम गाइस, सनी डेज, कैसे स्पीड रहे लाइफ में, स्कॉच पियो, बहुत ग्लूमी वेदर है सनी, आप खुद लेके जाते हो, हाँ यहाँ भी फॉल का सीजन आया हुआ है तो थोड़ा ग्लूमी हुआ हुआ है, तो अब जो बियर का सीजन और ये वाइन ये वो ये थोड़ा फेज आउट हो रहा है, एंड वी आर मूविंग ऑन टू आवर लवली सिंगल माल्ट्स, hopefully yeah. this natural heater, organic heater. देखिए जरा क्या कहती है जिंजर, जो इन्होंने पहले कहा था हाँ. वो पहला मेरे को इसमें बिल्कुल जिंजर है, थोड़ा लाइमी है, वुडी तो नहीं है वैसा, नहीं अच्छा नहीं लगा किया था, अच्छा थोड़ा हिंट है पर वैसा कोई खास वुडी, इट डजंट जंप आउट, अच्छा हाँ इसमें थोड़ा फ्रूटी तो टेस्ट है इसका, ओके आमंड जैसा है थोड़ा, ओके ओकीनेस मेरे को आ रही है थोड़ी थोड़ी, जैसे वुड का जो ओक वाला है ना वो आ रहा है, कि जैसे इनकी जो वुड है थोड़ी फ्रेश है तो फ्लेवर विस्की में ज्यादा, जैसे बैरल ज्यादा मैच्योर हो जाते हैं 6-7 बार यूज हो गए तो वो उनके पास इतना ज्यादा बचता नहीं है खुद में कैरेक्टर के, वो विस्की में ट्रांसफर कर सके, फेयर पॉइंट है, बड़ा लेस हिंट है कंपेयर टू अ लिटिल, अगर थोड़ा और प्रीमियम विस्की पे अगर जाए तो उसका जो वुडी फ्लेवर है वो मैं कहता हूँ कि इससे डीपर है, अग्रीड, इसका जो लाइनी फ्लेवर है वो मेरे को थोड़ा उठ के आया है इस पे, और जिंजर भी थोड़ा प्रोमिनेंट है, हाँ जिंजर की शार्पनेस आई कैन आई एग्री विद यू, और जो सिट्रस फ्रूट जैसा लेमन कह रहे हो आई फील दैट, थोड़ा अर्थीनेस भी है कहीं कहीं, हल्का ऑरेंज का सटल टेस्ट है, हाँ नटी जो अर्थी जो अपना हो गया वो है, बढ़िया विस्की है यार, ठीक है नॉट बैड है फॉर द प्राइस, तो बिल्कुल भी बैड नहीं है, और ये देखो अभी मतलब एक सिप लिया है और कितना टाइम लग गया विस्की को ग्लास में उतरने के लिए, सो इसकी विस्कोसिटी भी अच्छी है, आई मीन बेसिक टंग को अभी भी कोट किया हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल टंग को कोट किया है इसने तो, हाँ, है बेसिक 40% बेसिकली स्कॉच 40% से नीचे हो नहीं सकती, सो इसको डिस्टिल्ड वाटर से डिल्यूट कर करके अच्छा, पूरा तो नोटिस ही नहीं किया, हाँ, पूरा 40 पे उतार दिया है, इट्स नॉट स्ट्रॉन्ग गाइस, जो मेरे को फर्स्ट अगर इसका मैं कहूं कि जो फर्स्ट ओपिनियन है मेरे हाँ, बॉक्स वाज लुकिंग गुड हाँ, ओपनिंग द विस्की बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ लिटिल बिट, थोड़ा देखते है ना कि इसका अब महंगी विस्की है नहीं महंगी विस्की, थोड़ा उसका वो प्लेसिबो इफेक्ट जो है माइंड पे, हाँ प्लेसिबो भी है, कुछ अट्रैक्शन भी है, बिल्कुल विस्की की बॉटल एक पार्ट ऑफ उसका अट्रैक्शन है, एब्सोल्युटली बॉटलिंग मार्केटिंग लैकिंग, आई बिलीव कि कंपनी इसमें बेटर कर सकती है थोड़ा अपने मार्केटिंग के, मार्केटिंग वाइज नॉट इवन लाइक अ फुल लेबल्ड बॉटल, एक बहुत जेनेरिक बहुत छोटा वॉल्यूम, not much explained, box has a lot of other things too, मैं यहाँ देख रहा था अभी वहाँ पे रखी बोतल पे कि थोड़ा कुछ inform किया है कि color इसका pale gold है जो कि है, बिल्कुल है ना, इसमें क्या लिखा है, taste sweet caramelized toffee with hints of dried orange and grapefruit, मेरे को orange इसमें है, मेरे को आया थोड़ा सा इसका taste में हल्का सा, वो citrus fruit जो अपन बोल रहे थे, lemon orange almost same kind of family, अब ये देखो yeah true right
जो आपका डेवलपमेंट है टेस्ट का वो आप उसे आप लेमन से ज्यादा बेटर रिलेट किए, मैं ऑरेंज से. बॉटम लाइन इज ट्रॉपिकल सिट्रस फ्रूट जो है ना इसमें है प्रॉब्लम. मेरे को लगा वो लाइमी जो है ना, क्या ना, थोड़ा है वो. और फिनिश में लिखा है इन्होंने ड्राई लॉन्ग विथ लिंगरिंग नटीनेस. नटीनेस को हम लोग एग्री, हां वो अर्थीनेस जिसको अर्थी फ्लेवर बोल रहे हैं नट्स अपने जो है वही. हां और इसमें लिखा है नोज. अच्छा नोज, अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग का नोज क्या कहता है. भाई इतना बड़ा बड़ा नाक लिए बैठे अब तो नाक मत कटवा देना. लिखता है सीरियल. सीरियल वाला तो कुछ मामला माहौल नहीं आया यार. आमंड्स, आमंड्स हाँ थोड़ा कसम नटी है. वही नटी आमंड्स ठीक है, इसको जा नहीं सकते उस पे डायरेक्टली कि आमंड्स है. इतने प्रोफेशनल भी नहीं है. एंड लाइन, लाइन है बोला. हाँ यू नेल्ड इट. 100/100 नंबर भाई, क्योंकि मेरे तो ग्रेपफ्रूट नहीं पता था कि क्या होता है. ग्रेपफ्रूट में लिखा है क्या? इसमें लिखा है नहीं ग्रेपफ्रूट. हाँ तो वो जो हल्का बिटरनेस आ रहा है आपको क्या? मेरे को तो बस वो हल्का खट्टा सा एक मारो घुटी और हल्का सा बिटरनेस नहीं आया आपको आफ्टर टेस्ट में? क्योंकि ग्रेपफ्रूट देखो सिट्रसी तो होता ही है पर एक एक सटल बिटरनेस जो होती है ग्रेपफ्रूट में. ऐसा मैं ना उस पर फिंगर नहीं कर सकता. ठीक है बट दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस की टेस्टिंग. जो मेरे एक्सपीरियंस है जिनसे मैं रिलेट करता हूँ वो आपसे थोड़े 19-20 का फर्क हो सकता है. एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ व्हिस्की टेस्टिंग. मैं इनसे कुछ सीखता हूँ. जैसे मैंने ऑरेंज बोला, इन्होंने ग्रेपफ्रूट आलमंड को जैसे लाइम को पिन पॉइंट कर दिया. तो ये यही मजा है यारो दोस्तों परिवार के साथ बैठ के व्हिस्की पीने का, कुछ खोल के उसको पहले डिस्कस करने का. हाँ उसको झाड़ी देना. इंटेलेक्चुअल वाली फीलिंग आती है ना थोड़ा कि हाँ भाई हाई फाई हो गया. एक बात मैं कहता हूँ जो मेरे हिसाब से क्यों हम करते हैं ये. एक प्राइस रेंज में अगर देखा जाए तो बहुत सारी इसकी अग्री. और पहले जो था जमाना जहां पे जो एक्सपोजर था या मार्केट में अवेलेबिलिटी थी, यहाँ नॉर्थ अमेरिका की बात कर रहा हूँ, इंडिया में भी तो अब तो सभी कुछ है, सब कुछ मिलता है बिल्कुल. तो ऐसे तो उसमें वो बायफर्केट नहीं कर सकते. पर पहले जो चलता था ब्लैक लेबल, रेड लेबल, ग्रीन लेबल, शिवाज रीगल 12, 15, 18 उधर. फिर उसके बाद फिर ग्लेनफिडेक ने एंट्री की. ग्लेनफिडेक 12, 13, 14, 15, 18 अब 20 जो भी है ना. तो और भी फ्लोर में सारे नंबर गिना दिया हमने. ग्लेन लिबेट, ग्लेनफिडेक, अपना शिवाज, सिंगल मॉल्ट, सिंगल मॉल्ट में जो नॉर्मल डे टू डे आदमी पीता भी है, जानता भी है, पिलाता भी है, पिलाता भी है, क्योंकि दूसरे को भी पता होगा वो भी जरूरी है. भाई आप पिला रहे हो देखो वो भी एक्नॉलेज करना बनता है. नहीं एक्नॉलेज करना बनता भी. तो अब जब सभी एक ही प्राइस रेंज को ऑलमोस्ट फॉलो करते हैं देन विच वन इज योर बेस्ट राइट? बट ऑनेस्टली टेस्ट तो कहीं ना कहीं से आप पकड़ेंगे ना कि भाई कि मैं जैसे मैं जानते हो तुम कि स्मोकी लाइक करता हूँ. स्मोकी जितनी स्मोकी होगी विस्की उतना मेरा वो फेवरेट होगा है ना. जैसे तुम्हारा समझ लो कि तुम नटी या लाइमी और ऑलवेज टिल्टिंग टुवर्ड्स ऑरेंज सिट्रस वाली मुझे ट्रॉपिकल थोड़ी ज्यादा अच्छी लगती है. तो कहीं विस्की के साथ तो टेस्ट डेवलप कर दिया बिल्कुल. देखो नए बंदे को तो सब कड़वी है. प्रोफेशनल हो गए हैं इस मामले में कि मुझे इनकी लाइकिंग का पता है, इनको मेरी लाइकिंग का पता है. इतने ही प्रोफेशनल है. नहीं, 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 जो कि है नहीं, 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 नहीं भाई ठेका 2-3 तो झाड़ चुके हो गया. टॉक टू माय किडनीज नॉट टू मी. प्रोफेशनल तो हो. चलो ये तो बहुत हो गया. हाँ अब असली असली तरीके से आए. अब इसको सही से जैसे हम लोग घर में पीते हैं. क्या स्लाइड मारे बिंदास कैमरा के सामने. अच्छा इतने फ्लो फ्लो में ये जिगर लाए थे. ये वाला जिगर नहीं, ये वाला ये लाए थे ये जिगर. अब आ गए पंजाबियत पे कि वो आज तक इसे एक मिनट साकी ऐसे ऐसे मत कर वो बात तो रहेगी ना. हाँ अच्छा हाँ हाँ तुम लोग का थोड़ा पक्का ही है. बराबर डाले हो बिंदास पूरा. भाई तो थोड़ा ज्यादा होना चाहिए ना. ठीक है बूंद बूंद से सागर भरते हैं. एक ड्रॉप टू द ये इसको ऐसे पी के देखोगे थोड़ा पानी डाले इसमें. नहीं नहीं ऐसे पी के देखते हैं कि ग्लास का फॉर्मेशन शेप से कुछ फर्क पड़ा कि नहीं. चलो ग्लेन कैरिंग पे किसी दिन विशेष चर्चा करेंगे. कई बार ग्लास खुलने से विस्की भी खुलती है. देखो एक बात तो हम तुमको ये सीधा बता सकते हैं कि अगर हम लोग कोई 18 ईयर ओल्ड मार्ट विस्की सिंगल मार्ट स्कॉच खोलेंगे उसका जो स्मेल है और इसका जो स्मेल है इसमें डिफरेंस है. ये बहुत माइल्डर है. माइल्ड है. मैच्योरिटी में कमी है इसका है ना. इसका बॉडी
बच्चा तो है और वुडी जो इसका जो फ्रेग्रेंस आता है उसमें भी ये माइंड है ना बिल्कुल। अभी तो जस्ट जो मेरे को अभी सबसे सरप्राइजिंग बात लगा कि कितना ये जो इसका स्टिकीनेस है विस्की को बोलते हैं लॉन्ग लेग्स टेक्निकल टर्म्स। हाँ दिस विस्की हैज लॉन्ग लेग्स, लंबी लंबी लाते हैं, लंबी लंबी बातें हैं। चलो इसको ऐसे चढ़ा के देते हैं। चलो जय हो। Cheers. यार $100 में तो कोई माड़ी विस्की नहीं है। ऊपर से इट्स अ ब्यूटीफुल कॉन्वर्सेशन स्टार्टर, कॉन्वर्सेशन नहीं निकल रहा, ऑकंटाश तो कैसे ही निकलेगा मुंह से, अश्कंटाश बस ऑकंटाश। ठीक है ठीक है, मैं तो इसको थोड़े थोड़ा लाइट वाटर के साथ प्रेफर करूंगा, विच इज एक्चुअली अ ब्रिलियंट आइडिया भाई। बताएं क्यों? क्योंकि ये देखो क्या हुआ, कुछ मिस कर दिया क्या? ब्रिलियंट आइडिया। रात को 10 बजे जब आपके ब्रदर इन लॉ बोले कि यू हैव ब्रिलियंट आइडिया, आई वुड थिंक दिस एज एनी नहीं नहीं भाई, फिर तो देश खरीद लेंगे, वो वाला ब्रिलियंट नहीं है बट नहीं, वो वाला ब्रिलियंट नहीं हुआ अभी, हो जाएगा, लवली लवली हुआ अभी। मैं तो डाल रहा हूँ थोड़ा पानी। बिल्कुल नहीं, आई एग्री विद यू, और मैं यही बोल रहा था कई बार पानी डालने से बेटर हो जाता है विस्की का फ्लेवर, क्योंकि ना थोड़ा इसमें बर्न है। नहीं बर्न तो है, और ये टंग को भी कोट करके बैठा है। बिल्कुल, सो ऑयलीनेस जो भी है, ये कड़वा है थोड़ा सा, ठीक है। हाँ अच्छा, मैं बोल रहा था पानी डालने से ब्रिलियंट आइडिया, क्योंकि ये जो बैरल में एज हुई 12 साल, ये थोड़ा ऑयल्स वगैरह जो वुड में नेचुरल ऑयल्स होते हैं, इट डज पिक इट अप। तो कई बार जब हम इसको नोज करते हैं, देयर इज अ वेरी थिन लेयर, माइक्रो मिलीमीटर टाइप वाली ऑयल की लेयर होती है, तो नहीं होता। तो इट इज एक्चुअली ब्रिलियंट आइडिया, क्योंकि यू नो कि ऑयल एंड वाटर डोंट मिक्स। जब आप पानी डालते हो तो वो लेयर को थोड़ा सा खोल के फ्लेवर्स बूम। तो ठीक है, आप थोड़ा सा ज्यादा डाल दियो। नहीं, मेरे दिमाग में कुछ आ गया, बोल दो फिर। नहीं फिर वीडियो के बाद बात करेंगे, वीडियो के बाद बताएंगे, बहुत खतरनाक होते जा रहे हो। अच्छा थोड़ा पानी डाले हो, इसके बाद जरा देखो कुछ डिफरेंस आ रहा है अब फ्लेवर में, टेस्ट में, स्मेल में, नोज में, कुछ कुछ बोलते हैं। इट इज मच मोर पैलेटेबल, माइल्ड हो गई थोड़ी, और मतलब इजी गोइंग हो गई। हां इजी गोइंग हो गई अब ये इसकी, क्या कहते हो? हां थोड़ा फ्लेवर प्रोफाइल इसका माइल्ड हो गया ज्यादा। एग्री, डाइल्यूट हुई थोड़ी, बट इसका अब पता क्या है, शायद हम ज्यादा पानी डालिए या पैक छोटा डालिए, दोनों ही आपने किए हैं। हाँ। मुझे नहीं ब्लेम कर सकते हो आप, इधर और हो गया है। हाँ पर अभी जैसे देखो तुम्हारा कलर अभी थोड़ा ज्यादा रिच है मेरे से। हाँ, मेरी विस्की भी बहुत कम है, क्योंकि मैंने पानी कम डाला और पी थोड़ा जल्दी गया हूँ मैं। इवेपोरेट हो जाता है ना। हाँ? जो उसके लॉन्ग लेग्स होते हैं ना, वो आ गई लॉन्ग लेग्स मेरे पास आ गई। ठीक है, नहीं फ्लेवर आपके बात बिल्कुल सही है, थोड़ा माइल्ड हो गया, पैलेटेबल हो गई है, पीने के लिए है। द ओनली थिंग इज ये अपने यहाँ तो रेगुलरली अवेलेबल है, इंडिया में ये सिर्फ ड्यूटी फ्री पे ही मिलती है। मैंने L1 चेक किया, 2-3 प्रोविंसेस स्टेट्स में अपना चेक किया, पर ड्यूटी फ्री पे ये 5,800 की है। इसकी जो 18 साल वाली है वो 16,000 के करीब है, विच इज एक्चुअली अ बेटर विस्की। जैसे देखा जाए कि 10,000 दे के जो आपको ग्रोथ मिल रही है क्वालिटी ऑफ विस्की में, फ्लेवर प्रोफाइल में, कड़वी तो रहेगी। ओह ऑफ कोर्स, तो अब 18 साल वाली, हाँ तो वो थोड़ा ज्यादा मैच्योर है, उसमें थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है। और अपने प्राइस रेंज में मैं कहता हूँ कि सिंगल बार्ट के हिसाब से ये बढ़िया विस्की है। हाँ, ऊपर से अगर आप कलेक्टर हो इनके और मेरे जैसे, एक ऐसा नायाब पीस जो कि रेडिली अवेलेबल नहीं है, और देखो फॉरेन ट्रैवल आज की डेट में बहुत कॉमन सा हो गया है ना, बहुत बहुत इजी गोइंग थिंग है, बहुत इजीली अटेनेबल चीज है। जाओ एक ऐसी विस्की हो जो किसी ने कभी सुनी ना हो, जो किसी से कभी बोली ना जाए, वेरी गुड गिफ्टिंग विस्की, वेरी अमेजिंग। आ जाओ साडा टशन ले जाओ, औखा टशन, अज़रबैजान से बन के आया विस्की, औखा टशन है भाई, औखा टशन, औखा टशन, औखा टशन, औखा टशन है, औखा टशन। हां नहीं, और आई थिंक जितना ये ऑब्सक्योर है विस्की, उतना ऑब्सक्योर है नहीं, थोड़ा सा ढूंढोगे, शकीन हो विस्की कलेक्ट करने के लिए मिल जाएगी, मिल जाएगी। मैं आपसे आगे चल रहा हूँ थोड़ा सा इस मामले में, क्या बात कर रहे थे आप साकी हो ना, करो फिर इसको उससे डालो यार, रहने दो ना यार, क्यों मजाक कर रहे हो, जब पहला नहीं गया तो दूसरा कैसे जाएगा। अच्छा चलो, हम तो एंजॉय कर रहे हैं, बाकियों के मुंह में आ रहा होगा पानी,
तो एक बारी अपनी रेटिंग, प्राइस, क्वालिटी ऑफ विस्की विद वाटर विदाउट वाटर इसको थोड़ा सा समराइज कर दो. रेटिंग कैसे करना है, आउट ऑफ 10? नहीं, आउट ऑफ 100, क्योंकि 10 में तो यार बहुत ही छोटा रह जाएगा. देखो 10 में से बहुत हम लोगों के लिए हार्ड हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, हार्ड. पर पॉइंट्स तो दे ही सकते थे, पॉइंट 10 पॉइंट 7 पॉइंट. दो फैक्ट बता, आपको डेसिमल डेसिमल कहां याद रहेगा यार. 100 में से दो ना नंबर, जो अपने नहीं आए वो इसको देने हैं. बेसिकली इसका बोर्ड है, इसको इसको दिखाओ, ये जो अपने नहीं आए वो दिखाओ. हाँ, इसका बोर्ड का एग्जाम है. इसको अगर देंगे 72 दे सकते, ठीक है, क्योंकि इसको हम कंसिडर किए इसका प्राइस क्या है. हाँ, है ना. हाँ, इसका फ्लेवर कैसा है, ठीक है, ये कितना ऑब्स्क्योर है कितना ऑब्स्क्योर नहीं है. $90 की बोतल के लिए थोड़ा इसमें अपील भी होना चाहिए. इसमें अपील वो है नहीं, टॉनिक की बोतल लगती है. टू बी ऑनेस्ट, बताना नहीं चाहिए लेकिन बता देते हैं, इसके पहले हम लोग 2-4 पैक लगा चुके हैं कि हम लोग का जो रिव्यू हो वो ऑनेस्ट हो, दिल से निकले, सच्चाई छलक के बाहर आए या अंदर जाए. ये तो अंदर जा रही है, ये अंदर जाएगी तो सच्चाई बाहर आएगी. मेरे को नीट डाल दिया आपने. अच्छा, तो आपने दिया 72. आई विल पुट इट ऑनेस्टली, यू आर राइट कि 80 लाइक नहीं है, डिस्टिंक्शन वाली तो नहीं है ये. नो नो नो, तो ये 74. अच्छा, मेरे से ज्यादा पॉइंट लिया थोड़ा सा, बिकॉज इट हैज ऑब्स्क्योरिटी इतनी ज्यादा नहीं है, पर नेम जो ये फ्लेवर प्रोफाइल जो देती है, नेम दैट नो वन कैन प्रोनाउंस. तो फिर शोशा करना है तो फिर सस्ते में अगर बढ़िया शोशा मिल जाए, ग्लेनलिवेट 18 खोलते हो, आज की डेट में वो $210 की है. सो लिटरली दो ये या फिर ग्लेनलिवेट 18. वैसे देखो तो बार्गेन नहीं है. हाँ, हम लोग का तो महफिल सज गया है. हाँ, आप भी जाओ अगर ये लेकर आओ, ट्राई करो, बताओ कैसी लगी. इफ यू अग्री, इफ यू डोंट, जो फ्लेवर प्रोफाइल्स हमने बताया है, नोजिंग बताया है, डिसअपॉइंट नहीं हो गए. हाँ, नहीं हो गए. और फॉर द प्राइस नहीं तो डिसअपॉइंट होना हार्ड.